हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत पाकिस्तान सरहद के अंतिम छोर पर बसे बाड़मेर जिले में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत आज स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़ी सौगात दी। बाड़मेर में वेदांता केयर द्वारा बनाए गए 100 बेड के अस्पताल का लोकार्पण कर जन समर्पित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर में 17 करोड़ के विकास कार्य का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सरहदी बाड़मेर राज्य के अन्य जिलों की ही तरह बड़ी मुस्तैदी और हिम्मत से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ शुरू हुए रण में कई रण बांकुरे अपनों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उनमें अग्रणी नामों में से एक वेदांता और केरन है। बरसों से पश्चिमी के सिंहद्वार बाड़मेर में तेल और गैस के उत्खनन और उत्पादन में लगी वेदांता और केरन ने सामाजिक सरोकारों की दिशा में हर बार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लोगों की दिल खोल कर मदद की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर वासियों को 17 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कोविड की दूसरी लहर में 6 करोड़ की लागत से वेदांता केयर द्वारा बनाए गए 100 बेड का अस्पताल 399.74 लाख की लागत से निर्मित 30 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य भवन देतानी का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा के नाहटा अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट, जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट, JSW भादरेश द्वारा जिला अस्पताल में 3.66 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एवं मॉडर्न पोस्ट ऑपरेशन वार्ड का शिलान्यास किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल न केवल इस महामारी की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बाड़मेर को सीधे तौर पर मदद करेगा, बल्कि इस आधार की शुरुआत के बाद हम तीसरी लहर की संभावनाओं और आशंकाओं का निर्भयता से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बाड़मेर के महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के मैदान पर 7,350 वर्ग मीटर पर बने इस 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल में वातानुकूलित सुविधा सहित ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 80 बिस्तर और गंभीर रोगियों के लिए 10 बेड का ICU, 10 बेड वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 6 बिस्तर आपातकालीन हालातों के लिए आरक्षित होंगे। केरन वेदांता के महाप्रबंधक अयोध्या प्रसाद गौड के मुताबिक इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा के संचालन में बेहतरीन तकनीक और उत्तम सुरक्षा मानकों का उपयोग किया गया है। इस अस्पताल में हेपा फिल्टर का उपयोग किया गया है। ये तकनीक सभी कीटाणुओं के 99.99% तक हवा को छानने के साथ साथ वायुजनिक जीवाणुओं और वायरल जीवों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा पूरा परिसर कई अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि एवं बाड़मेर प्रशासन शामिल हुए। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।